हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आया हूँ थलीसैन के बाजार में, तो आपको भी घुमाऊंगा अपने साथ। थलीसैन समुंदर तल से 1690 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये टाउन और तहसील उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पूर्वी नयार नदी पर स्थित थलीसैन पूरे इलाके का मुख्य बाजार है और आसपास के सभी गांव के लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए और अन्य बैंकिंग से रिलेटेड काम करने के लिए यहां पर आते हैं। दोस्तों, थलीसैन एक ब्लॉक होने के साथ साथ इलाके की तहसील भी है और यहीं पर इलाके का थाना भी है। दोस्तों, थलीसैन पौड़ी टाउन से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं बात करें राज्य की शीतकालीन राजधानी यानी कि गैरसैन, वह थलीसैन से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, थलीसैन में आपको अच्छे ईटिंग जॉइंट्स, रहने के लिए होटल्स और अन्य सुख सुविधाओं का सामान यहां पर आपको मिल जाता है। यदि आप आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप थलीसैन को अपना बेस बना सकते हैं और यहां से आसपास के जो भी टेंपल्स या अन्य टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहां पर आप विजिट करकर वापस थलीसैन में ठहरने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, थलीसैन में आपको लगभग हर तरह के सामान की दुकान मिल जाती है। आपको किसी भी तरह की शॉपिंग करनी हो, कपड़े या फिर आपको यहाँ पे खाना खाना हो या फिर घर का कोई भी अन्य सामान लेना हो तो आपको थलीसैन बाजार में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, थलीसैन का पुराना नाम थली था, जो कि आज भी कई लोकल्स लोग इसे थली के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन ये एक जेंटल हिल पे है जिसे कि थोड़ा सा प्लेन एरिया में था, तो इसके लिए इसे सैन कहते हैं, जैसे गैर सैन, और उसी तरीके से इसका नाम भी फिर थलीसैन पड़ गया। ये है यहाँ का राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज। आसपास के गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को इस कॉलेज में भेजते हैं और ये काफ़ी यहाँ का मुख्य कॉलेज है, तो काफ़ी दूर दराज के गांव से भी लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे कई प्राइवेट स्कूल, ITI और डिग्री कॉलेज भी हैं जहाँ पर लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बात करें मौसम की तो गर्मियों में थलीसैन का टेम्परेचर 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में ये -5 डिग्री से लेकर मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री तक रहता है। और बरसातों में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है और यहाँ पे बर्फबारी देखने को भी मिलती है। दोस्तों, थलीसैन क्षेत्र के आसपास का इलाका पाइन, चीड़ और अल्पाइन के जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, थलीसैन तहसील दो ब्लॉक्स बीरूखाल और थलीसैन ब्लॉक की तहसील है। दोस्तों, थलीसैन के आसपास अगर मैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करूं तो आप जा सकते हैं बूढ़ा भरसार, राहु टेंपल और हंसेश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, इस तरह के कई यहाँ पर आसपास ऐतिहासिक मंदिर हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, दिन के समय बाजार में कुछ अनोखी ही रौनक होती है। स्कूल के बच्चे और इधर उधर के गांव के लोग यहां पर सामान लेने के लिए आते हैं और एक तरह का मेला सा लगा रहता है बाजार में। दोस्तों, थलीसैन बाजार में त्योहारों के टाइम पे काफ़ी भीड़ होती है और बाजार काफ़ी सजा होता है। यहाँ पर हर तरह के त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये था थलीसेन बाजार का छोटा सा टूर। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। इसी तरह की और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें रावत्स लाइफ को। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्द मिलूँगा आपसे एक नई जगह पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।